मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है आज हम मफलर बनाएंगे आप इसे स्काफ भी बोल सकते हैं और ये देखिए इसके लिए मैंने ये चार धागों वाली भूल ली है लेकिन आप सिंपल चार प्लाई की या तीन प्लाई की भूल लेकर भी बना सकते हैं और इसके लिए जो क्रोशिया लिया है मैंने ये नौ नंबर का लिया है थ्री पॉइंट फाइव एम एम और इसके साथ ही ये देखिए कुछ और मफलर हैं जिनकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है तो ये इसका पैटर्न है ये बना सकते हैं ये मैंने सिलाइयों से बनाया है इसे बना सकते हैं देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये देखिए कितना सॉफ्ट है बस आपने इसे मोटी सिलाई पर बनाना है जो अभी मैंने आपको दिखाया है और एक ये है तो इनमें से भी कोई आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप चाहे तो आप मुझे मेरे एफबी पेज फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ और वीडियोस के लिंक दिए होते हैं अगर आप चाहें तो उन लिंक्स को खोल के देख सकते हैं वहाँ पर मैंने जैकेट के लिंक दिए हैं मफलर के दिए होते हैं तो काना जी ड्रेसे के ड्रेसेस के दिए होते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हैं अगर कोई और वीडियो देखनी हो या फिर आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए नौ नंबर का क्रोशिया हुक लिया है मैंने थ्री पॉइंट फाइव एम एम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो वूल ली है मैंने ये इस तरह की वूल है चार प्लाई की है लेकिन आप इसके लिए जो सिंपल हमारी तीन प्लाई या चार प्लाई की वूल होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं देखिए इस तरह से है, इसे खींच के ऐसे स्टिच को छोटा कर देंगे ताकि यहाँ से हमारा स्टिच खुले ना इसके बाद हम चार चेन लेंगे एक दो तीन चार चार हमने चेन ली धागा लिया एक दो तीन स्किप करेंगे ये फर्स्ट वाली जो हमारी है यहाँ पर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे एक डबल क्रोशिया किया धागा लिया देखिए तीन है दो निकाल दिए फिर दो से एक किया दो बनाए डबल क्रोशिया ये तीन और ये चार यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार हमने डबल क्रोशिया किए तीन की चेन बनाई तो टोटल हमारे पास यहाँ पर पांच स्टिच है इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे एक दो तीन चार चेन लेंगे इसके बाद हम चार चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए होल में यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया किए इसके बाद हमने एक चेन ली धागा लिया तीन स्किप करेंगे ये एक दो तो, तीन स्किप करेंगे यहाँ होल में तीन डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे एक दो तीन इसके बाद हम एक चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया यहां पर और बनाएंगे इसी होल में तो इस तरह से हमारा वर्क स्टार्ट हो गया ये देखिए यहां पर चार चेन है लेकिन यहां पर हमने ये जो लास्ट हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसकी हाइट हम तीन चेन जितनी होती है तो एक हमने चेन ली तो यहाँ पर भी ये चार चेन जितना लास्ट में होता है हमारे पास इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे एक दो तीन चार चेन लेंगे हर बार हम चार चेन लिए ये फर्स्ट जो होल है यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन इसके बाद हमने एक चेन ली फिर नेक्स्ट होल में एक दो तीन थ्री थ्री डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे सेंटर में यहाँ पर एक चेन लेंगे एक चेन ली हमने तो ये देखिए ये होल है यहाँ पर तीन बार बनाएंगे एक दो तीन एक चेन लेंगे फिर धागा लिया यहीं पर एक बार फिर से बनाएंगे तो लास्ट में हमने इस तरह से बनाना है तीन चेन लेनी है तीन डबल क्रोशे बनाने हैं उसके बाद एक चेन लेकर यहीं पर एक और बनाएंगे तो ये बिल्कुल हमारा जैसे पहला स्टिच है सेम उसी तरह से एंड वाला स्टिच भी बन जाता है तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक है फिर ये दो हो गए अब तीन है नेक्स्ट में ये चार हो जाएंगे फिर पाँच हो जाएंगे इस तरह से ये इनक्रीज होते जाएंगे एक दो तीन चार चेन लेनी है हमने स्टार्ट में फिर यहां पर ये एक जो डबल क्रोशिया है इसके बाद होल में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन एक चेन ली एक दो तीन फिर एक चेन ली एक दो तीन एक चेन ली फिर ये लास्ट यहाँ पर जो होल है ये तीन हमने स्किप किए यहाँ पर हमने तीन बार बनाना है एक दो तीन फिर एक चेन लेनी है लास्ट में फिर धागा लिया फिर यहीं पर फिर से बनाएंगे फिर को टर्न करेंगे एक दो तीन चार तो ये देखिए इस तरह से ये आगे बनता जाएगा एक रो मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ देखिए चार चेन ली हमने पहले हम यहीं पर डालेंगे एक दो तीन इसके बाद एक चेन ली हमने फिर नेक्स्ट होल में एक चेन फिर एक चेन फिर एक चेन ये लास्ट में यहाँ पर एक दो यहाँ दोनों साइड हमारे स्टिच इंक्रीज होते हैं फिर यहाँ पर देखिए एक चेन ली यहीं पर एक बार और बनाएंगे तो हर बार यहाँ पर एक होल तैयार हो जाता है हमारे पास नेक्स्ट रो जब हम बनाते हैं तो इस होल से स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारे स्टिच इंक्रीज होते जाते हैं ये देखिए ये एक है फिर दो हो गए तीन चार पाँच तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ तो अब आप देखिए इतना मैंने बना लिया है अब हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इंक्रीज करते आए हैं हर रो में एक हमारा इस तरह के जो तीन का पैटर्न है एक इंक्रीज हो जाता है जैसे यहाँ पर देखिए ये एक है फिर ये दो हो गए फिर ये तीन है फिर ये चार हो गए तो ये इंक्रीज हुए हैं हमारे अब हमने क्या करना है ये देखिए इस तरह से इसे रखना है दोनों तरफ देखिए मैंने मार्कर लगा दिया है और टोटल ये जो रो बनाई है मैंने ये सत्रह है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और इस साइड भी ये सत्रह है सेवनटीन अब हमने क्या करना है इस साइड से तो सेम इसी तरह से यहाँ पर बनेगा बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं लेकिन इस साइड हमने अब डिक्रीज करना स्टार्ट करना है एक एक हम हर बार इंक्रीज नहीं करना इस साइड एक एक हम यहाँ पर यहाँ तक बनाने के बजाय अब हमने यहाँ तक बनाना है हर रो में और सत्रह रो बनाई है अब सत्रह रो बनाने के ऊपर जो देखिए यहाँ पर जो इसकी ब्रेथ तैयार हुई है ये नौ इंच है मान लीजिए आपको दस इंच चाहिए तो इसका मतलब है आप नाइनटीन रो बनाएंगे ये देखिए दस इंच आपको चाहिए तो इसी तरह से फिर आप इंक्रीज करते हुए यहाँ पर दस रो बना ले उन्नीस रो बना ले नाइनटीन तो उसके बाद फिर आप घटाना स्टार्ट करें जो मैंने आपको बताया है अब हमने यहाँ पर जो छोड़ना है फिर आप उन्नीस रो बनाने के बाद इस साइड आप डिक्रीज़ करें और अगर आपको ये ब्रैथ इतनी नहीं चाहिए जैसे ये देखिए ये नौ इंच है जो हमने बनाया है लेकिन अगर आपको नौ इंच नहीं चाहिए आपको आठ इंच चाहिए तो इसका मतलब है आप दो रो कम बनाएंगे फिर आप पंद्रह रो बनाएँ यहाँ तक पंद्रह रो बनाने के बाद यहाँ इस साइड डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं और उस साइड उसी तरह से बनेगा तो इस तरह से आप इसकी ब्रेड्थ को बढ़ा और घटा सकते हैं ये वो वाली साइड है ये देखिए यहाँ पर ये धागा है तो ये वो वाली साइड है जहाँ पर हम लटकन लगाते हैं फ्रिंज बनाते हैं और ये वाली जो साइड है ये लेंथ रहेगी हमारी मफरल के लिए आपको जितनी चौड़ाई चाहिए छः चाहिए सात चाहिए दस चाहिए आप साथ साथ इंची टेप से मेजर करते जाएं इस तरह से मेजर करके देखें उसे ये वाली साइड ऐसे सीधी रखें और ये वाली साइड इस तरह से रख के फिर आप उसे मेज़र करके देखें तो जितने ज़रूरी नहीं है जैसे ये सत्रह है किसी के वूल का फ़र्क होता है मोटी है या पतली है तो हो सकता है उसकी सत्रह रो जो आए तो वो जैसे ग्यारह इंच हो जाएँ अगर दो प्लाई की आप वूल लेते हैं मोटी वूल लेते हैं तो आप इंची टेप से मेज़र करें जितना आपको चाहिए जैसे ये मेरी नौ इंच होगी तो मैंने नौ रखना है तो मैंने अब यहाँ पर इंक्रीज करने बंद कर देने हैं और यहाँ पर हम घटाने स्टार्ट करेंगे इस साइड तो इस तरह से आप लेंथ जो है कम या ज़्यादा रख सकते हैं अब हमने क्या करना है ये देखिए सत्रह के ऊपर मैंने मार्कर लगाया है ये मैंने मार्कर मार्कर की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है बस मैंने इसलिए लगाया है आपको पता चले कि इसके बाद हमने कितना बनाया है दो तीन चार चार इस साइड उसी तरह से बनाना है चार लिए हमने यहाँ पर बनाएंगे होल में एक दो तीन फिर एक चेन ली फिर नेक्स्ट में फिर एक चेन ली तो अब यहां पर आप बनाकर यहाँ तक आ जाए इसके बाद हमने यहाँ नहीं बनाना तो यहां तक मैं बनाऊंगी तो ये यह देखिए यहां तक आ गई मैं अब इस साइड हमने किस तरह से बनाना है ये हमने तीन लिए हैं डबल कोशिया किए हैं अब हमने चेन नहीं ली धागा लिया हमने एक दो तीन थर्ड चेन में बनाएंगे पहले हम यहाँ बनाते हैं लेकिन अब यहाँ नहीं बनाना तो ये एक दो तीन थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किए और यहाँ पर हमने चेन भी नहीं ली अब इसके बाद वो आपको टर्न करेंगे ये देखिए इस साइड से ये इस तरह से सीधा आना स्टार्ट हो जाएगा एक दो तीन चेन लिए धागा लिया अब हमने यहाँ नहीं बनाना ये देखिए पहले हम चार चेन यहाँ पर लेकर यहाँ पर बनाते थे अब यहाँ नहीं बनाना अब हमने तीन चेन लेकर ये यह देखिए यहाँ पर बनाना है ये यह देखिए यहाँ नहीं बनाना नेक्स्ट में बनाना है तो इस तरह से एक साइड से ये बढ़ने बंद हो जाएंगे हर रो में जो एक पैटर्न हमारा बढ़ जाता है अब वो बढ़ेगा नहीं एक चेन ली फिर नेक्स्ट में इसके बाद वाला पैटर्न हमारा उसी तरह से रहेगा बस कॉर्नर में आके हमने थोड़ा चेंज किया है एक चेन ली फिर नेक्स्ट में देखिए इस साइड से अब ये इस तरह से स्ट्रेट आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने लास्ट वाले में यहाँ पर नहीं बनाया तो इसलिए यहाँ से ये यह सीधा बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से सेम जैसे ये सीधा है यहाँ से भी ये सीधा आएगा तो रो आप कंप्लीट कर ले तो ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ तो रो देखिए कंप्लीट हो गई ये येलो मार्कर वाली साइड आ गए हम जहाँ पर मैंने येलो मार्कर लगाया है यहाँ पर हमने कोई डिक्रीज नहीं करना सेम यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर भी बनाएंगे तो एक चेन ली और यहाँ पर देखिए तीन बनाएंगे इस साइड सेम हम हमने उसी तरह से बनाना है जैसे हम बनाते आए हैं ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है फिर हमने एक चेन ली फिर एक बार और यहाँ पर बनाना है तो ये साइड हमारी सेम बननी है वो को टर्न करेंगे उसके बाद एक दो तीन चार चेन ली फिर होल में बनाया तीन बना लिए एक चेन ली फिर नेक्स्ट में बनाया फिर एक चेन ली तो यहाँ पर देखिए ये सेम जैसे हम बनाते हैं इस साइड उसी तरह से बनाएंगे येलो मार्कर वाली साइड और इस साइड हमारा देखिए ये सीधा बनना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए यहाँ तक आ गई मैं अब यहाँ पर उसी तरह से बनाना है देखिए एक चेन ली हमने अभी ये एक होल है हमारे पास यहाँ पर बनाया पहले हमने दो तीन इसके बाद हमने चेन नहीं लेने और ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया दिखाई देता है ये दूसरा है अब यहाँ से हम ये तीसरा बनाएंगे तो धागा लिया एक दो और तीन थर्ड चेन में हमने आकर ये एक दो तीन थर्ड चेन में आके ज्वाइन करना है और डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे ये देखिए इस तरह से ये साइड से बनना स्टार्ट हो गया अब वर्क को टर्न करना है हमने और यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे तीन चेन लेकर उसी तरह से यहाँ नहीं बनाना जब हम इस साइड आएंगे तो हमने तीन चेन लेनी है और बाकी मैंने आपको बताया है इस साइड हम इसी तरह से बनाएंगे तो तीन चेन ली यहाँ नहीं बनाना अब नेक्स्ट में बनाएंगे इस साइड हम इस तरह से बनाएंगे दो तीन एक चेन ली फिर नेक्स्ट में बाकी का इसके बाद इसी तरह से बनेगा दो और तीन तो अब आप इस साइड जाएं और यहाँ से फिर वापस आ जाएं तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ हमने यहाँ पर किस तरह से बनाना है यहाँ पर हम उसी तरह से बनाएंगे ये चीज़ बनेगी यहाँ पर जो हम तीन बनाते हैं उसके बाद यहाँ पर एक चेन लेके फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करते हैं ये देखिए तो आप यहाँ पर आए फिर वापस आ जाए तो अब आप देखिए इस साइड हम गए थे फिर वापस मैं यहाँ पर आ गई हूँ अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ ये यह देखिए यहाँ पर हमने ये तीन बनाए हैं इसके बाद ये जो हमारी तीन की चेन है यहाँ पर एक दो तीन ये जो ऊपर डबल क्रोशिया हैं इन्हें हमने काउंट किया है एक दो तीन थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया और यहाँ पर हमने देखिए चेन नहीं ली ये देखिए यहाँ पर तीन जो हमने डबल क्रोशिया बनाए उसके बाद मैंने चेन नहीं ली बिना चेन लिए एक दो तीन थर्ड चेन में हमने जो थर्ड डबल क्रोशिया है उसके चेन में मैंने बनाया तो यहाँ देखिए अब इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट बनना स्टार्ट हो गया अब इस तरह से आप जितना आपको इसकी लेंथ चाहिए आप उतना बना लें और जो आपने लेंथ देखनी है वो आपने इस साइड से मेज़र करनी है इस साइड से जितनी आपको लेंथ चाहिए दो मीटर चाहिए डेढ़ मीटर चाहिए छोटा बनाना चाहते हैं तो इस साइड से मेज़र कर लें उसके बाद ये मैं आपको ख़त्म जो हमने डिक्रीज़ करना है वो मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से बनेगा तो इसे हमने डिक्रीज़ भी इस तरह से करना है ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से जाएगा यहाँ से ये इस तरह से आएगा तो यहाँ से आप लेंथ मेज़र करके बना लें और एक बात का ध्यान रखें ये देखिए इस साइड हम एक बढ़ा लेते हैं लेकिन इस साइड अब हम बढ़ाते नहीं हैं तो जितने हमारे पास ये रो थी यहाँ पर ये हमारे पास सत्रह थी सेवनटीन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये जो ऊपर हमारे पास इस तरह के ये तीन तीन के पैटर्न है ये ऊपर सत्रह ही रहेंगे आपके पास ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह हर रो में ये सत्रह आएंगे अगर आपके अठारह हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर एक और इंक्रीज कर दिया है तो इसकी शेप इसकी यहाँ से बिगड़ जाएगी ख़राब हो जाएगी तो आप दो रो बना लें फिर रख के देखें कि आपका ठीक आता है यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट बनना चाहिए तो फिर मैं आगे आपको बना के दिखाती हूँ इस साइड हमने इस तरह से बनाना है और यहाँ पर जो हम बनाते हैं जैसे हमने ये सारा बनाया था इस साइड हम उस तरह से बनाएंगे तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ पूरा बनाने की बजाय तो फिर मैं दिखा के आपको यहाँ पर डिक्रीज करना बता दूंगी तो थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा बना लिया है अब देखिए यहाँ से इस तरह से सीधा बनना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर जो हमने मार्कर लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह हमारी यहाँ तक ये यह जो रो थी ये सत्रह थी सेवनटीन उसके बाद मैंने इतना पोर्शन और बना लिया है और ये हमारी लेंथ है आपने जब मेज़र करना है तो आपने जितनी आपको लेंथ चाहिए तो यहाँ से आप उसे मेज़र करें ये देखिए ये अठारह इंच है मान लीजिए आपको 18 इंच लेंथ चाहिए तो आप यहाँ से जो ये वाली पोर्शन है यहाँ से आप लेंथ को मेज़र करके फिर आप इसे यहाँ पर फिनिश कर देखिए अब इसके बाद ये इस तरह से यहाँ पर आएगा और यहाँ से तो लेंथ को आप इस साइड से मेज़र कर लें जैसे ये अठारह इंच बना है 18 इंच ये देखिए ये एट्टीन इंच है तो इसका चार गुना आप बनाएंगे तो वो सेवनटी टू इंच हो जाएगा बहत्तर इंच तो बहत्तर इंच मुझे लगता है मफलर की लेंथ आपको चाहिए तो उतना बनाने के बाद आप इसे फिनिश करें यहाँ पर तो अब मैं आपको बता देती हूँ आपने इसे कंप्लीट किस तरह से करना है जब भी आप इसे बनाते हैं तो ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा बनाने के बाद जैसे चार पांच रो बनाने के बाद उसे इस तरह से रख के ज़रूर देखें ताकि ये वाली जो आपकी साइड है तो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपकी ये लूज़ तो नहीं आ रही या ज़्यादा खींची तो नहीं है अगर आपकी ये यहाँ पर लूज है लूज है का मतलब है ये जो आप डबल क्रोशिया बनाते हैं ये ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा करके बना लेंगे या फिर जो तीन के इसे घुमाकर कर यहाँ पर तीन की चेन लेते हैं तो उसे आप थोड़ा सी टाइट हार से ले लेंगे तो आपका लूज़ नहीं रहेगा अगर आपकी ये आपको लगता है कि ये दोनों इस तरह से रखने से ये यहाँ पर टाइट है खींचा खींचा है इस साइड तो फिर आप अगर खींचा खींचा है तो ये वाला जो डबल क्रोशिया है उसे आप थोड़ा सा बड़ा करके बना सकते हैं ये देखिए इस तरह से थोड़ा बड़ा के मतलब इस तरह से थोड़ा फंदे को लंबा करके आप बना सकते हैं तो आप देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो गया तो आप चार पांच छह रो बनाने के बाद इस तरह से रख के देखिए यहाँ पर खिंचाव नहीं होना चाहिए या ये लूज़ नहीं होना चाहिए तो अब देखिए पहले हम इस साइड हमने बढ़ाने बंद कर दिए थे तो यहां से हम टर्न ले लेते थे और इस साइड हम इसी तरह से बनाते थे लेकिन अब हमने दोनों साइड इस तरह से बनाना है इस साइड भी इस तरह से बनेगा और ये वाली साइड भी हम यहाँ तक बनाएंगे और यहीं से हम फिनिश कर देंगे तो अब ये इस तरह से फिर ये इस साइड आएगा तो अब देखिए लास्ट में मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊँगी डबल क्रोशिया ये।, ये अब इसे टर्न लेंगे हम टर्न करेंगे तीन चेन लेंगे एक दो तीन फिर हम ये देखिए यहाँ नहीं बनाते यहाँ पर बनाते हैं एक दो तीन एक चेन ली फिर नेक्स्ट में बनाएंगे तो आप यहाँ तक आ जाएं ये लास्ट वाले यहाँ नहीं बनाना हमने ये यह देखिए यहाँ नहीं बनाएंगे यहाँ तक बना लें तो अब हमने यहाँ नहीं बनाना ये देखिए ये बनाई है इस होल में बनाया है इसके बाद चेन नहीं लेने हमने धागा लिया ये एक दो तीन थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से वॉक को टर्न करेंगे फिर तीन चेन लेंगे जैसे हम इस साइड बनाते हैं अब सेम हमने इस साइड बनाना है दो तीन चेन लिए तीन चेन लेकर यहाँ होल में नहीं बनाएंगे इस होल में बनाएंगे एक दो तीन फिर एक चेन ली फिर नेक्स्ट होल में बाकी यहाँ पर उसी तरह से बनेगा सेंटर में एक चेन लेकर तो अब आप यहाँ पर आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो अब यहाँ पर उसी तरह से देखिए तीन हमने डबल कुर्सी की धागा लिया और ये एक दो तीन थर्ड चेन में हमने डबल कुशिया किया वर्क को टर्न करेंगे एक दो तीन चेन लेंगे यहाँ नहीं बनाना नेक्स्ट में बनाएंगे तीन चेन लेंगे सॉरी तीन डबल क्रोशिया करेंगे दो और तीन इसके बाद एक चेन लेंगे फिर नेक्स्ट होल में तो फिर आप यहाँ पर आ जाएँ यहाँ पर उसी तरह से हमने ये, ये देखिए ये तीन की चेन है हमने इस होल तक बनाना है यहाँ तक तो ये देखिए यहाँ तक बना लिया मैंने अब ये एक दो तीन थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे वो टर्न करेंगे एक दो तीन चेन लेंगे फिर यहाँ पर बनाएंगे तो अब दोनों साइड से इसी तरह से बनता जाएगा फिर एक चेन लेंगे फिर नेक्स्ट होल में अब हम हमने इस साइड से बढ़ाने बंद कर दिए हैं तो यहाँ से ये यह स्ट्रेट बनना स्टार्ट हो गया है इस साइड से भी इसी तरह से तो यहाँ पर आप इसे कंप्लीट कर लें तो लास्ट में एंड में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है तो देखिए दोनों साइड से इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम हमारे पास सत्रह थे सेवनटीन पैटर्न थे हर रो में एक एक कम होता गया तो लास्ट में आकर मेरे पास ये दो रह गए हैं अब हमने यहाँ पर इसे फिनिश किस तरह से करना है ये देखिए धागा लिया वॉक को टर्न करेंगे एक दो तीन उसी तरह से तीन चेन ली तीन चेन लेकर यहाँ पर सेंटर में तीन हमने डबल क्रोशे करने हैं इनकम्प्लीट ये देखिए इनकम्प्लीट किस तरह से करेंगे फर्स्ट टू निकाल देंगे कम्प्लीट नहीं किया फिर धागा लिया एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम तीन बनाते हैं फिर ये देखिए ये चार हैं फर्स्ट टू निकाल देंगे अब ये तीन है फिर धागा लिया एक बार और अब देखिए फर्स्ट टू निकाल देंगे तो ये तीन हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किए तीन हमारे ये आगे फंदे और एक हमारा पहला फंदा था तो टोटल चार हैं फिर हमने धागा लिया ये लास्ट में यहाँ पर तीन के चेन में डाला फर्स्ट टू निकाल दिए तो अब देखिए टोटल हमारे पास पाँच हैं अब पाँचों को एक साथ निकाल देंगे इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर इसे टाइट कर दें अब देखिए ये कॉर्नर हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुआ है यहीं से वर्क को टर्न करेंगे तो ये देखिए इस फंदे को हमने धागे को काटना नहीं है ये देखिए चारों तरफ इस तरह के ये हमारे पास डबल क्रोशे की रो आई हैं ये देखिए इस साइड पर तो यहाँ पर आप चाहें तो किनारी बना सकते हैं मैंने इसकी किनारी नहीं बनाई देखिए चारों साइड इस तरह से ये बनी है हमारे पास ये पैटर्न हमने इस हिसाब से बनाया है कि ये चारों कोनों में इस तरह के हमारे पास एक एक डबल क्रोशे की ये चेन बनी है यहाँ पर अब आप किनारी बनानी चाहें थोड़ी बड़ी तो वो बना सकते हैं मैंने बिल्कुल छोटी छोटी यहाँ पर किनारी बनाई है देखिए यहाँ पर हमने कम्प्लीट किया वर्क वो टर्न करेंगे और ये जो हमारे पास होल है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन सिंगल क्रोशिया के फिर नेक्स्ट को लेंगे तीन सिंगल क्रोशिया एक दो तीन फिर नेक्स्ट को लेंगे एक दो तीन फिर नेक्स्ट को लेंगे यहाँ से एक दो तीन तो इस तरह से मैंने बस इसकी किनारी की है आप चाहे तो थोड़ी सी बड़ी किनारी भी बना सकते हैं जैसे ये वाली होती है ये देखिए ये हम उसमें हम एक दो तीन चेन लेते हैं फिर यहीं पर ये, एक हमने बनाया यहीं पर ये दो डबल क्रोशिया किए यहीं पर ये तीन डबल क्रोशिया किए फिर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं जैसे यहाँ पर हमने ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिए से फिर यहाँ पर हम एक दो तीन चेन लेते हैं यहीं से हम फिर से तीन बनाएंगे तो ये आपकी चॉइस है आपने छोटी बनानी है या बड़ी बनानी है ये तीन बनाए हमने सेम प्लेस पर फिर हम इसे ये यह देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे तो इसमें वो आ जाएगा लूज रह जाएगी तो नेक्स्ट में हम इसे ज्वाइन करेंगे तो किनारी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं ये इस तरह से आएगी तो मैं अब वही वाली आपको कंप्लीट करके तो यहाँ तक आप आ जाए कॉर्नर हमने किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ तो एक साइड देखिए कंप्लीट कर ली मैंने लास्ट में हम बनाएंगे ये यह देखिए यहाँ पर तीन बार बनाया उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास इस साइड वाला ये डबल क्रशे है तो यहाँ पर आकर मैंने अब इसके बाद एक बार बनाया एक बार और बनाया दो बनाए मैंने यहाँ पर उसके बाद एक चेन लेंगे एक चेन लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर टर्न लेना है तो एक चेन ली हमने उसके बाद यहाँ पर तीन बार हम जैसे डबल क्रशे में बनाते हैं तीन बनाए मैंने यहाँ पर फिर नेक्स्ट में तीन बनाएंगे एक दो तीन फिर नेक्स्ट में तो इस तरह से हमने कॉर्नर बनाना है देखिए तो चारों कॉर्नर इसी तरह से बनेंगे चारों तरफ से कंप्लीट करते हैं इसे तो कंप्लीट कर लें और साथ में मैं आपको यहाँ पर इसके लटकन भी बता देती हूँ किस तरह से हमने बनानी है देखिए जहाँ पर हमने ये किनारी की है वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से इसे लेंगे और ये हमने जितनी आपने हेवी बनानी है उस हिसाब से आप ये धागे ले सकते हैं इन्हें यहाँ पर इक्वल करेंगे और यहाँ पर हम क्रोशे हुक डालेंगे यहाँ से इसे लेंगे और इसे यहाँ से हमने निकाल लिया फिर ये सारे थ्रेड यहाँ से इसे धागे को लेकर इस तरह से निकाल देंगे आप चाहे तो हर होल में बना सकते हैं अगर आपको हैवी चाहिए अगर आपको ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो आप एक होल छोड़ के बना सकते हैं यहाँ से हमने लिया ये होल स्किप किया उसके बाद यहाँ से लिया इस तरह से ये सारे इसमें से निकाल देंगे और बाद में आप इन्हें सारी इस तरह से बना के लास्ट में आप इन इक्वल कर दे इस तरह से तो मैं आपको साइड वाली किनारी और ये फ्रिंज कंप्लीट करके दिखाती हूँ तो मफलर देखिए तैयार हो गया है और यहाँ पर मैंने हर होल में लटकन बनाई है आप चाहे अगर आपको इतनी थिक नहीं चाहिए तो आप एक होल छोड़ के बना सकते हैं और ये देखिए इस तरह का ये दिखाई देता है और ये इसके कॉर्नर आप चाहे तो किनारे अपनी पसंद की कोई भी बना सकते हैं देखिए कितना प्यारा बना है ये मफलर और इजी भी इतना है कि इसे कोई भी बना सकता है ये देखिए वैसे हम जब मफलर बनाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चेन और इसके ऊपर हम सीधा बनाते जाते हैं लेकिन इसकी खूबसूरती इसी में है कि इसमें डायगोनल सट्राइप्स बनती जाती है टेढ़ी ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो ये टेढ़ा बनता जाता है यहाँ से और यहाँ तक बनाने के बाद हम इसे सीधा स्टार्ट करते हैं बनाना तो इसी से ये खूबसूरत लगता है ये देखिए तो इसकी जो लेंथ तैयार हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए नाइन एंड हाफ इंच इसकी जो चौड़ाई है ब्रैथ है और लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे दो मीटर के करीब इसकी लेंथ होनी चाहिए मेरे हिसाब से अगर आपकी हाइट कम है तो आप फिर इसकी लेंथ कम बना सकते हैं तो अब हम मैं आपको बता देती हूँ आपने इसे छोटे साइज में या बड़े साइज में किस तरह से बनाना है ये देखिए इस तरह से हमने इसे बनाया था तो यहाँ पर एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह बनाने के बाद हमने यहाँ से इस साइड से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया और उस साइड से हम बढ़ाते गए तो यहाँ से फिर से ट्रेटर बनना शुरू हो जाएगा तो अगर आपको इसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो आप सत्रह की जगह बीस बना लें सत्रह बनाने से ये नाइन एंड हाफ आया है बाकी आपकी वूल का वूल पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वूल लेते हैं बस आपने यहाँ से इंची टेप से उसे मेजर करना है इस तरह से ये देखिए चौड़ाई देखने के लिए आपने यहाँ पर मेजर करना है उसे कितनी है जैसे आपको साढ़े दस चाहिए तो यहां तक जब बन जाएगा उसके बाद आपने उसे स्ट्रेट बनाना स्टार्ट करना है अगर आपको कम चाहिए जैसे ये आठ इंच का चाहिए तो या सात इंच का चाहिए तो सात इंच यहाँ तक आपने बना लिया उसके बाद फिर आप उसे स्ट्रेट बनाना शुरू कर दें इस साइड से फिर डिक्रीज होता जाएगा लेकिन उस साइड से नहीं उस साइड से सेम से उसी तरह से बनेगा उस साइड से फिर हमने डिक्रीज तब करना है जब वो हम एंड करेंगे जब आपकी इस साइड से लेंथ जितनी आपको चाहिए उतनी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसे डिक्रीज करना स्टार्ट करें तो इस हिसाब से इस हिसाब से आप उसे छोड़ा जा Uh, कम चौड़ा से ज़्यादा चौड़ा बना सकते हैं और यही जो रूल मैंने इसके लिए बताया है सेम यही आप शॉल के लिए भी फॉलो करें आप सेम इसी तरह से शॉल बना सकते हैं बहुत ही इजी है वैसे जब हम शॉल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको टेंशन रहती है कि हमने कितने स्टार्ट में चेन लेने हैं जो आप चेन लेते हैं उससे आपकी चौड़ाई कम ना हो जाए या ज़्यादा ना हो जाए तो इसमें ऐसी कुछ टेंशन नहीं है बस यहाँ से आपने बनाना स्टार्ट करना है और तब तक आपने इंक्रीज़ करने हैं जब तक आपको जितनी मेज़र उसका चाहिए चौड़ाई चाहिए इस साइड से वो कम्प्लीट नहीं हो जाती तब तक आप दोनों साइड से इनक्रीज़ करते जाएँ और जब इस साइड से चौड़ाई कम्प्लीट हो जाए तो आप उसे एक साइड से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे तो फिर ये यह यहाँ से सीधा आएगा और एंड में इस साइड से जब आपकी शॉल की लेंथ कंप्लीट हो जाए तो दोनों साइड से फिर डिक्रीज करके यहाँ से फिर इस साइड से बनेगा इस तरह से इस साइड से तो ऊपर जाकर फिर ये कंप्लीट हो जाएगा शॉल की प्रॉपर जो एग्जैक्ट जो लेंथ है वो इस साइड से कंप्लीट हो जाए तब आपने यहाँ से डिक्रीज़ करना शुरू करना है और सेम इसी तरह से मफलर के लिए भी और जो मैंने आपको बताया है इसकी टोटल जो लेंथ होनी चाहिए वो दो मीटर के करीब होनी चाहिए मैंने उसका वन फोर्थ बनाया है ये उन्नीस इंच के करीब अभी तैयार हुआ है ये देखिए आप इसका चार गुना बनाएंगे यहाँ तक मैंने ये देखिए साढ़े उन्नीस इंच है तो इसका चार इंच बनाएंगे चार गुना बनाएंगे जब तो इसकी प्रॉपर लेंथ तैयार हो जाएगी जितनी आपको चाहिए दो मीटर के करीब और चार गुना बनाया है तो इसका मेजर मैं आपको बता देती हूँ ये देखिए साठ ग्राम के करीब इसकी इसको वूल लगी है तो साठ का चार गुना दो सौ चालीस ग्राम के करीब आपकी वूल लगेगी अगर आपको साढ़े नौ इंच ही इसकी चौड़ाई चाहिए और लेंथ भी इतनी चाहिए अगर आपको चौड़ाई कम चाहिए तो आप दो सौ ग्राम वूल ले टू हंड्रेड ग्राम वूल कम जो ज़्यादा है वो आपकी लेंथ और ब्रैथ के अकॉर्डिंग रहेगी जैसे कुछ और भी मैंने मफलर की वीडियो अपलोड की है ये देखिए इसको कितनी लगी है क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बहुत से मुझे कमेंट मिलते हैं कि मैम कि कितने हमें चाहिए वूल तो ये देखिए इसकी ब्रेथ कम है ये आठ इंच है तो उस अकॉर्डिंग इसको वूल भी कम लगी है लेकिन इसकी लेंथ जो है वो दो मीटर है ये देखिए ये है एक सौ सत्तर ग्राम इसकी भी ब्रेथ कम है देखिए आठ इंच एक ये है देखिए इसकी भी ब्रेथ आठ इंच है तो ब्रेड लेकिन इन सबकी लेंथ जो मैंने आपको दिखाई है वो दो मीटर है लेकिन आप उसी हिसाब से जब ब्रेड ज़्यादा रखेंगे तो वूल भी ज़्यादा लगेगी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू